HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची, हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। नौ निहालों को शिक्षा की राह दिखाते हैं हम। HM प्ले स्कूल रोड नंबर 13 द्वारिकापुरी लोअर चुटिया रांची। विनाश करना बंद करो। जहां देश में आज वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ हुआ है और राजधानी रांची से पटना ट्रेन जा रही है, और ऐसे में आप देखिए रेलवे की लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है, उसके बावजूद जो शिवपुर कठौतिया रेल लाइन है उसमें किसानों को मुआवजा नहीं मिला है और कई तरह की व्यवधान है, उसको लेकर किसान संघर्ष समिति ने राजधानी रांची की सड़कों पर उतरकर अपना संघर्ष का ऐलान किया। किस तरह का ऐलान है ये, किस तरह का संघर्ष है? आज सरकार हमसे हमारी जमीन छीनने का काम कर रहा है। हम झारखंड के तमाम आदिवासी मूल निवासी हमेशा से विस्थापन का दंश झेले हैं। कभी कोलवरी के नाम पे हमें विस्थापित किया गया, कभी HEC के नाम पे हमें विस्थापित किया गया, कभी डैम के नाम पे हमें विस्थापित किया गया। अब हमें विस्थापन करने के लिए एक नई योजना लेके आई है, भारतमाला परियोजना और शिवपुर रेलवे लाइन परियोजना, जिसमें हमारी जमीन अधिग्रहित की जा रही है। और हम तमाम लोग गैर मजरूआ जमीन में बसे हुए हैं, जिनकी मालगुजारी हमने 2014-15 तक भरा है, लेकिन सरकार अब इन जमीनों को, इवन यहां तक कि हमने 2023 तक इसकी मालगुजारी भरा है, लेकिन अब हमारी जमीनों को सरकार कहती है कि ये गैर मजरूआ है, सरकारी जमीन है, आपको इस जमीन के बदले में कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर ये गैर मजरूआ जमीन है तो हम किस देश के निवासी हैं? क्या हमें भारत के निवासी नहीं है? और अगर हम भारत के निवासी हैं तो हमें अपने जमीन का हक क्यों नहीं मिल रहा है? हर 30 साल के बाद एक सर्वे का प्रावधान है सरकार की तरफ से, लेकिन यहाँ सैकड़ों साल हो गए हैं, आज तक कोई सर्वे नहीं हुआ है। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम राजभवन के समक्ष राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपने और अपनी समस्याओं को अवगत कराने के लिए चतरा जिला से चल के आए हैं। लेकिन ये जो रेल लाइन बनेगी शिवपुर कठौतिया, उससे तो लोगों को काफ़ी फायदा होगा, लोग कम समय में अधिक दूरी यात्रा तय कर पाएंगे। बिल्कुल, ये रेल लाइन और ये भारतमाला परियोजना बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार अंग्रेजों ने सबसे लंबी रेल लाइन बिछाया था, और ये रेल लाइन भारतीयों के लिए नहीं बिछाया था बल्कि यहाँ के खनिज संपदा को छीनने के लिए, यहाँ की समी खनिज संपदा को बाहर विदेशों में भेजने के लिए रेल लाइन बिछाया गया था। और अगर जनता इसका प्रोटेस्ट करे तो उस रेल लाइन के द्वारा ब्रिटेन सरकार अपनी फौज को लाके यहाँ दमन करता, तो वही आज बड़े बड़े कंपनी इस रेल लाइन का इस्तेमाल करेंगे और इस भारतमाला परियोजना का इस्तेमाल करेंगे। चूँकि मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, जो भारतमाला परियोजना बन रहा है उस रोड में 80 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक की गाड़ियाँ चलेंगी, वहाँ पे कोई मोटरसाइकिल टेम्पो ट्रैक्टर चलने का कोई हक नहीं होगा। तो फिर ये कैसा विकास, किसका विकास? विकास किस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, और जो लोग हैं वो जो विस्थापित हो रहे हैं उनसे बात करते हैं। आप लोग जो विस्थापित हो रहे हैं, सरकार क्या मुआवजा नहीं दे रही है या बातें क्या हो रही है? हम लोगों को मुआवजा नहीं दे रही है सरकार। गैर मजरूआ जमीन कह करके हम लोगों को जो है से विस्थापन होने के बावजूद भी बोला जा रहा है कि गैर मजरूआ जमीन जो है सरकार का जमीन है, इसमें जो है से हम लोग जब तक रायती मान्यता नहीं देते हैं तब तक कोई भी प्रावधान नहीं है, तो इसीलिए नहीं तो हम लोग को रायती मान्यता दिया जा रहा है गैर मजरूआ भूमि का, नहीं तो हम लोगों का मुआवजा दिया जा रहा है। इसके चलते हम लोग शिवपुर कठौतिया रेल लाइन से विस्थापित हो रहे हैं। इसके चलते हम लोग जो हैं सो सिमरिया से आकर के आज रांची राजभवन पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो आंदोलनकारी हैं वो कह रहे हैं अगर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होती है तो अब संघर्ष मोर्चा क्या करेगा? अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगा तो हम लगातार आंदोलन करेंगे और विधानसभा का भी घेराव करेंगे, हम वोट का बहिष्कार करेंगे।
देखा। ये तस्वीरें हैं राजधानी रांची की, जहां पर रेल लाइन और जो कोल परियोजना है उसके लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध किया जा रहा है। और राजधानी रांची में ये विरोध आपको दिखाई दे रहा है। सड़कों पर उतरकर जो विस्थापित हैं वो अपनी मांगों को मांगने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब राजभवन पर है कि आखिर इन लोगों की सुध ली जाती है या नहीं। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।